अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम चिकन पकौड़ा बनाने लगे हैं। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, ये बहुत मज़ेदार भी होता है, इसके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सात सौ ग्राम बोनलेस चिकन में एक चम्मच सूरख मिर्च डालते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। एक चम्मच नमक डालते हैं। दो नींबू का रस डालते हैं। आधी चम्मच हल्दी डालते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च डालते हैं। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें। आधा चम्मच चश्मी मिर्च डाल दें। तीन चम्मच दही डाल दें। तीन चम्मच बेसन डाल दें। थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज धनिया डालते हैं और सब चीज़ों का मिक्स कर लें। मिक्स करने के 15 मिनट बाद बना भी सकते हैं, लेकिन आप इस कंडीशन में इसको पूरी रात भी रख सकते हैं, लेकिन हम 15 मिनट बाद इसको बनाएंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें चिकन डाल दें। अब चिकन की साइड तब्दील कर लें। आप देखें हमारे चिकन में कितना प्यारा सा कलर आ गया है और ख़तरनाक सी खुशबूएं आ रही। मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बनेगा। हमारा चिकन रेडी हो गया और ये देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दोबारा ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।